देखकर उसका करम देखो, उसकी रहमत देखो कि अगर हम सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह हमारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा। लेकिन सच्ची तौबा का मतलब क्या है? सच्ची तौबा ये नहीं है, रात में आपने मौलाना मुनव्वर साहब की तकरीर सुनी नमाज के बारे में, दिल में इरादा हुआ कि कल से नमाज शुरू करेंगे और फजर की नमाज के टाइम अस्सलातु खैरु मिन नौम की आवाज आती रही और आप सोए रह गए और फिर रात गई बात गई, आपने रात में तौबा की, सुबह तौबा तोड़ दी। कहीं बड़ा अच्छा जुमला मैंने पढ़ा था फेसबुक के ऊपर कि मोबाइल अगर वाइब्रेशन में भी रखा हो तो मोबाइल के वाइब्रेशन की आवाज हमारे कानों में पहुंच जाती है, मोबाइल के वाइब्रेशन की आवाज भी हम सुन लेते हैं लेकिन अजान की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। इसका मतलब हम कानों के बहरे नहीं है, हम दिल के बहरे। तो सच्ची तौबा यह है कि अगर आपके दिल में तौबा का ख्याल आया है तो आप फौरन अल्लाह से माफी मांगे और उस गुनाह को फौरन छोड़ दें। إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة। अल्लाह ताला उन लोगों की तौबा को कबूल करता है जो नादानी में आकर के गुनाह करते हैं, जिनको जिनसे गुनाह हो जाता है नादानी में आकर के, नफ्स के तकाजे में आकर के वो गुनाह का काम कर लेते हैं। ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم। और जैसे ही उनको ये एहसास होता है कि हमने गुनाह कर लिया, हमने अल्लाह को नाराज कर लिया, वो जल्दी से तौबा कर लेते हैं और जब वो जल्दी से तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह उनकी तौबा को कबूल कर लेता है। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूनस्सय्यिआत। अल्लाह उन लोगों की तौबा को कबूल नहीं करता है जो गुनाहों पर गुनाह करते रहते हैं, जो बहुत सारे गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुबतुल आन। जब मौत का टाइम आता है, जब देखता है कि अब तो मरने वाले हैं, सामने मौत को देखता है, तब वो कहता है कि ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूँ। जो इंसान मरने का इंतजार कर रहा है और तौबा नहीं कर रहा है, अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा को कबूल नहीं करे। तौबा तो फिरौन ने भी की थी। फिरौन जब डूबने लगा समंदर के अंदर तो फिरौन ने भी तौबा की थी और कहा था मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ, जिसके ऊपर बनी इसराइल ईमान लाते मैं उसके ऊपर ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाया? आलान वक़द असैता मिन क़ब्लु। ऐ फिरौन तू अब तौबा कर रहा है, अब तेरे तौबा करने का कोई मतलब नहीं है, अब तेरी तौबा का कोई माना नहीं है। सारी जिंदगी तो तू गुनाह पर गुनाह करता रहा, लोगों पर जुल्म अत्याचार करता रहा, बच्चों को मरवाता रहा, औरतों को गुलाम बनाता रहा, और आज जब तू मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा है तो तू तौबा कर रहा है। फल यौमनुन जी कभी बदन गली कून लिमन खल्फक आया। ऐ फिरौन आज हम तुझे मौत देंगे और ऐसी मौत देंगे हम तेरी बॉडी को महफूज रखेंगे, तेरी डेड बॉडी को बचा करके रखेंगे ताकि तेरी डेड बॉडी आने वाली नस्लों के लिए निशानी बन जाए और लोग तेरी डेड बॉडी को देख करके कहें कि देखो ये फिरौन था जो अपने आप को रब कहा करता था, जो अपने आप को खुदा कहा करता था, ये उस फिरौन की डेड बॉडी है। तो तौबा करने के लिए मरने का इंतजार मत करो, जिंदगी में तौबा, तंदुरुस्ती की हालत में तौबा। नौजवान अगर ये समझ रहा है कि साहब अभी तो जवान है, जब 70 साल के हो जाएंगे 60 साल के हो जाएंगे लाठी पकड़ के चलने लगेंगे तब नमाज भी पढ़ लेंगे, तो जाओ जरा देख लो कब्रिस्तान में, अगर 10 जनाजे कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो 10 में 5 जनाजे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो जवानों के जनाजे। कोई कैंसर का शिकार होकर, कोई कोरोना का शिकार होकर, कोई किसी और बीमारी का शिकार होकर के मर रहा है। मेरे नौजवान साथियों, तौबा के सिलसिले में देर न करो, अल्लाह से माफी मांगने के सिलसिले में देर न करो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। इंसान की जिंदगी में एक दिन तो छोड़ दो, एक मिनट की भी गारंटी,
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ कोई नहीं जानता कि कल वो क्या करेगा और कोई नहीं जानता कि वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा, कहां मरेगा कल, उसकी मौत कहां होगी, किस जगह मरेगा, ये भी कोई नहीं जानता। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अगर गुनाह का काम हम कर रहे हैं तो जितना जल्दी मुमकिन हो हम तौबा कर लें, और जब हम तौबा कर लेंगे अल्लाह का वादा है अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करे। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो तौबा कर लेता है वो इतना पाक व साफ हो जाता है जैसे उसने कभी कोई गुनाह ही न किया हो। अल्लाह का कानून तो यह है कि तौबा करने वाला जब तौबा कर लेता है, दुनिया का कानून तो यह है सुबह का भूला शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन अल्लाह का कानून क्या है, अल्लाह का कानून तो यह है अगर आप सच्ची तौबा कर लेते हैं, आप अल्लाह से माफी मांग लेते हैं तो अल्लाह आपको मुत्तकियों में शामिल कर देता है, अल्लाह आपके गुनाहों को नेकियों में बदल डालता है। अल्लाह का कानून निराला है, जानते हो दुनिया में अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं तो जिससे हम मांगते हैं वो नाराज होता है, अगर हम किसी से बार बार सवाल करें बार बार मांगे तो सामने वाला कहता है यार अब्दुल गफ्फार साहब आपने मेरा घर देख लिया है, आप बार बार मुझसे मांग रहे, नाराज हो जाता है। ये दुनिया का कानून है, दुनिया का कानून ये कि बार बार किसी के सामने हाथ फैलाओगे, बार बार उससे मांगोगे, बार बार सवाल करोगे वो नाराज हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का कानून क्या है, अल्लाह का कानून ये है वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह का कानून ये है कि जो अल्लाह से नहीं मांगता है, जो अल्लाह के आगे हाथ नहीं फैलाता है, अल्लाह उससे नाराज होता है, तो मुझसे मांग क्यों नहीं रहा है, मेरे बंदे तू मेरा मोहताज है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ए इंसानो तुम सब के सब मेरे फकीर हो, मेरे मोहताज हो, तुम मेरे आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते हो, तुम मुझसे मांगते क्यों नहीं हो, अगर मुझसे नहीं मांगोगे तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। जो अल्लाह से नहीं मांग जो तकबर करते जो घमंड करते हैं अल्लाह कहता है वो जलील होकर के जहन्नम में डाले जाएंगे। अरबी का एक शायर कहता है अल्लाहु यक्ज़बु हीना युत्रकु सुआलुहु, जब अल्लाह से ना मांगा जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है। वबुनय्यु आदम हीना युसअलु यक्ज़बु, और इंसान से जब मांगा जाता है तो वो नाराज होता है, अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज होता है और बंदे से मांगो तो बंदा नाराज। तौबा करने वाला जब तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। अल्लाह के